गुड मॉर्निंग फ्रॉम बोमडिला। और हम रुके हैं होटल ग्रीन व्यू। तो आज हम लोग बोमडिला को एक्सप्लोर करेंगे और इनके चाइल्डहुड मेमोरीज को हम भी जीने का कोशिश करेंगे। तो चलते हैं, आज का एक्सप्लोरेशन शुरू करते हैं और आपको भी दिखाएंगे, साथ साथ कहानियां भी बताएंगे और बहुत मजा आने वाला है आज। चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए निकलते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं नाग मंदिर, जो कि थोड़ा सा ऊपर है। तो हम पैदल जा रहे हैं क्योंकि बाइक ज्यादा दूर तो नहीं जाएगा। बाइक मैं बाइक रख के फिर ऊपर तक जाना है। तो दिखा रही हूँ कितना ऊपर तक हमें जाना है। वो देखिए वो ऊपर, वहाँ तक हमें जाना है। अभी तो रास्ता काफ़ी अच्छा हो गया है ऊपर जाने का, तो सीढ़ी बना दिया है ना शायद। तो पहले बार में लास्ट टाइम देखा था, तो अभी तो बहुत अच्छा है। तो चलिए देखते हैं, मज़ा आएगा बहुत। देखिए यहाँ से व्यू कितना सुंदर आ रहा है। और वो रहा नाग मंदिर। बाएं तरफ से जाना है ना। बाएं तरफ से। पूरा बोमडिला शहर यहाँ से दिख रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत धूप है अभी, गर्मी लग रहा है। तो हम पहुंच गए मंदिर तक और वो सामने है मंदिर। यहाँ थोड़ा बैठने का भी जगह बनाया हुआ है। तो चलिए अभी अंदर जाते हैं, देखते हैं खुला है भी या नहीं। सामने का व्यू भी बहुत सुंदर है। और यह है मंदिर का फ्रंट साइड, पर पीछे से घूम के आना पड़ता है। पर मंदिर अभी बंद है, बैड लक। बंद है अभी, क्या कर सकते हैं। बाहर से दर्शन कर लिए हम लोग और अभी यहाँ से थोड़ा सा व्यू को एंजॉय करते हैं। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा, बोमडिला टाउन। और लास्ट टाइम जब हम आए थे तो एक्सट्रीम विंटर में आए थे और पूरा बर्फ गिरा हुआ था। वो नज़ारा भी अलग था, बहुत सुंदर था। तब हम नीचे तक गए थे और वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी। बहुत ही सुंदर था वो भी, नीचे तक गए थे और नीचे से ऊपर का व्यू भी अमेजिंग था। पिछली बार हम लोग आए थे चढ़ते टाइम तो गर्मी लगा था, बट यहाँ पे जब बैठे थे फोटोशूट कर रहे थे उस टाइम तो इतना ठंड लग रहा था, मतलब जबरदस्त का ठंड। और आज कैसा लग रहा है? आज तो गर्मी लग रहा है, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। चलिए अभी निकलते हैं। और यहाँ से जो झरना दिख रहा है ना, वो भी बड़ा था, बहुत वाइट था। अभी तो थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा पानी निकल रहा था, वाइट था पूरा, बहुत बड़ा था। ये सब तो रास्ते थे ही नहीं तब। ये बन रहा है हॉस्पिटल, हॉस्पिटल पहले से है पर ये मल्टी स्टोरी रोड है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बड़ा कर दे रहा है ना हॉस्पिटल को, बड़ा बन रहा है, अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है। तो अभी हम जा रहे हैं मेरे स्कूल की तरफ और आज सैटरडे है इसलिए जल्दी छुट्टी हो चुका है। तो देखिए सब स्टूडेंट्स घर जा रहे हैं। तो ये रहा स्कूल का गेट, मेरा स्कूल का नाम था मॉडर्न स्कूल। ये मेरे लाइफ का पहला स्कूल है
और बहुत सारी यादें हैं, आई गेस सबका रहता है। पहला स्कूल बहुत ही मेमोरेबल होता है सबके लिए, मेरे लिए भी है। तो ये रहा ग्राउंड जहाँ पर हम खेलते थे, हमारा प्रेयर होता था सुबह को। तो ये है वो ग्राउंड। और तो एडमिशन होने के बाद ये पहला रूम है जहाँ पर मैं बैठी थी। तो बहुत सारी यादें हैं, मैं बहुत रोती थी पहले पहले, अभी भी वो डर फील कर पा रही हूँ जब मैं देख रही हूँ। तो पहला स्कूल बहुत ही ख़ास होता है सबके लिए। तो इसी रास्ते से मैं जाया करती थी ऊपर स्कूल। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और जाते हैं हमारे क्वार्टर की तरफ जहाँ पर हम रहते थे। ये है लोअर गुम्फा जो बाज़ार की तरफ है, और अभी हम आगे बढ़ते हैं। रास्ता इतना छोटा हो गया। আমাদের ওইটা ये था हमारा क्वार्टर, यहीं पर हम रहते थे। गेट भी सेम ही है। ট্যাঙ্ক ছিল না, ড্রামের মতন করা, জল আসলে ওখানে ভর্তি হয়ে থাকতো। अभी क्वार्टर को बाएं तरफ रखकर थोड़ा सा नीचे जा रहे हैं, नीचे भी एक रास्ता है, तो चलिए जाते हैं। और जब भी हम गाड़ी से नीचे से आएंगे, मतलब तेजपुर से या कहीं से भी, तो इसी रास्ते से हमें ऊपर तक जाना पड़ेगा। तो चलिए अभी और नीचे नहीं उतरते हैं, अभी फिर से ऊपर जाते हैं क्वार्टर की तरफ, वहीं से वापस जाएंगे। तो ये हम पहुंच गए हैं क्राफ्ट सेंटर ऑफिस, तो यहाँ हम बाद में आएंगे, अभी यहाँ से निकलते हैं और जाते हैं अभी और एक जगह पर। तो पहले यहाँ पर ये मिर्ची दिखाई दिया तो हम रुक गए ये खरीदने के लिए, तो ये बैम्बू शूट और मिर्ची खरीद लिए। और अभी हम आ चुके हैं एक मॉल पे, यहाँ हमें कुछ ख़रीदना है, किसी से मिलना है हमें, तो उनके लिए कुछ ख़रीदना है, तो कुछ कुछ खरीद लिए यहाँ से, अभी वापस जाते हैं। और अभी हम लोग जा रहे हैं अपर गुम्फा, तो वहाँ जाते वक्त ये दिख पड़ा, ये है फिश मार्केट जो कि अभी बड़ा हो रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो ये बाज़ार लाइन है, आज बंद है, आज सब दुकान बंद है। तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं अपर गुम्फा की तरफ। अभी हम आ चुके हैं गुम्फा, अपर गुम्फा, बोमडिला। चलिए